السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे. इंशाअल्लाह ताला आज की हमारी क्लास का आगाज शोएब खान अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत के साथ. ब्रदर शोएब खान. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. आवाज पहुंच पा रही है पर थोड़ी लो है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله. جزاك الله خيرا كثيرا برادر شعيب خان. جزاك الله جزاك الله. وصلي على رسوله الكريم اما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My beloved sisters and brothers, glad to see you again in our beautiful session. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. Today we will discuss about good behavior, the way of Allah. Achha akhlaq, Allah ka raasta. Rasoolullah sallallahu alayhi wa sallam farmate hain, momino mein iman ke aitbaar se sabse kamil shakhs woh hai jiske akhlaq sabse achhe hain. Alhamdulillah. Today's guest speaker is Sister Asma Shams, who is the president of IERO, that is Islamic Educational and Research Organization, and the principal of Taqwa Islamic School. Alhamdulillah, she has completed BSc, B.Ed, M.Ed, and also she is a diploma holder in computer programming and I am audible? Yes, you are audible. Please continue. Okay.
and the principal of Taqwa Islamic School. Alhamdulillah, she has completed BSc, B.Ed, M.Ed, and also she is a diploma holder in computer programming and application. Alhamdulillah. आपने डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना मौदूदी से मुतासिर होकर अपने भाई और अपने शोहर के ताउन से IERO की तंजीम कायम की और इस तंजीम के तहत दर्स कुरान सही अहादीस व सीरत का हफ्ता वारी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने आपका दरीना ख्वाब भी पूरा किया और आपको मदीना मुनव्वरा में लेक्चर देने की सआदत दी। सुभानअल्लाह। इसके अलावा आप खास तौर पर फीमेल्स के लिए दीगर सेमिनार भी कंडक्ट करते हैं। माशाल्लाह, आप सोशल मीडिया पर भी दावा का काम करने में बहुत एक्टिव हैं। अल्लाह पाक आपकी मेहनतों को, आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं सिस्टर अस्मा शम्स को इनवाइट करती हूँ कि आप आए और अच्छा अखलाक अल्लाह का रास्ता उनवान पर हमारी रहनुमाई फरमाए। ओवर टू यू सिस्टर अस्मा शम्स। अल्हम्दुलिल्लाह, am I audible to everyone? Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. Alhamdulillah wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Wa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. अज़ीज़ सामियात, आप सभी का खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि आज हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सीखने और जानने के लिए, और वो टॉपिक है अच्छा अखलाक जन्नत का आसान रास्ता। आज का टॉपिक है अच्छा अखलाक जन्नत का आसान रास्ता। अखलाक लफ्ज़ यूं तो सभी के लिए मारूफ है, लेकिन फिर भी उसका माना बताना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। अखलाक लफ्ज़ जमा है खुल्क की, जिसका माना होता है रवैया, बर्ताव, आदत, डिस्पोजिशन, नेचर, टेम्पर, मॉरल्स, एथिक्स और मैनर्स। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अखलाक को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर नफ्स में मौजूद कैफियत ऐसी हो जिसके बायस अकली और शरई तौर पर पसंदीदा व अच्छे अफ़ाल अदा हो तो उसे हुस्न अखलाक कहते हैं, और अगर अकली और शरई तौर पर नापसंदीदा बुरे अफ़ाल अदा हो तो उसे बद अखलाकी से ताबीर किया जाता है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अखलाक को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि हुस्न खुल्क ये है कि तू गुस्से से इज्तनाब करे और कीना और बुग्ज ना रखे। तो हम सभी जानते हैं कि हुस्न खुल्क यानी अच्छा अखलाक, गुड मॉरल्स और मैनर्स और एथिक्स, इसकी सोसाइटी में बहुत वैल्यू है और ये एक बहुत वसी मफहूम रखता है अपने अंदर। हुस्न खुल्क में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि माफी को इख्तियार करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, जाहिलों से एराज करना, कतअ ताल्लुक करने वालों से जोड़ना और महरूम करने वालों को अता करना, खंदा पेशानी के साथ मिलना और मुस्कुराना, किसी को तकलीफ देने से बचना, नरम मिजाजी इख्तियार करना, मजलूम की मदद करना, जालिम को जुल्म से रोकना, दुआए मगफिरत करना, पड़ोसियों का हक अदा करना, हराम से बचना और घर वालों पर खर्च करना। ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम कह सकते हैं कि वो हुस्न खुल्क का हिस्सा है, यानी वो सभी चीज़ें अच्छे अखलाक का हिस्सा है। और
हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमूना मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के मुतालिक, जो खालिक कायनात है, उसने अपने रसूल के अखलाक को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के आला मेयार पर फाइज हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ने दी है। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया आपके अखलाक के मुतालिक, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? आपका अखलाक हूबहू कुरान था। सुभान अल्लाह, यानी कुरान में जो भी अखलाकियात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा अमल करके दिखा दिया। यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है मुस्नद अहमद जिल नंबर 2 सफा नंबर 381 में, इन्नमा बुइस्तु लउतम्मा सालिहल अखलाक, मुझे भेजा ही इसीलिए गया है कि मैं आला तरीन अखलाक की तकमील कर दूं। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की तकमील करने के लिए आए, सुभान अल्लाह, और हमारे और आपके लिए उसी में नमूना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और हमारे ईमान की भी तकमील तभी होती है जब हम पुर अखलाक हो, हम हमारा जो खुल्क है, जो नेचर है, वो बहुत ब्यूटीफुल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है अबू दाऊद की जिल नंबर 3 हदीस नंबर 1275, फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनहुम खुलुका, तुम में से कामिल तरीन ईमान उन लोगों का है जिनके अखलाक अच्छे हैं। कैसे अलग करेंगे आप अखलाक और ईमान को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान मुकम्मली किसी मोमिन का तब होता है जिसके जिसके साथ साथ में अच्छा अखलाक होता है, जिसका मिजाज बहुत अच्छा होता है। और फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क अलैह रिवायत है, सही बुखारी में हदीस नंबर है 3559 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 2321, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन मिन खियारकुम अहसनकुम अखलाका, सुभान अल्लाह, तुम में से अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। गौर करने की बात यह है कि ये नहीं कहा गया कि जिसने बहुत सारे अच्छे लोग वो हैं जिसने बहुत सारे हज उमरे किए हो और इबादत और रियाजत में उसने चिल्ले खींचे हो और अजकार में हजार हजार और लाख लाख बार ये तस्बीहात पढ़ी हो या वो मुराकबा करता हो और बहुत मशक्क़तें उठाता हो या जिहाद करता हो या कुछ भी नमाजें पूरी पूरी रात पढ़ता हो, ये सब तो नहीं कहा गया। क्या कहा गया? तुम में से अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। और अखलाक यानी खुशखल्की की इब्तिदा कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? स्माइल करने से, मुस्कुराने से। जी हाँ, और ये मुस्कुराना, यू वोंट बिलीव कि ये एक कितना बड़ा नेकी का काम है। यू नो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिजी की हदीस है, हदीस नंबर 1956, फरमाने रसूल है, तबस्सुम कफी वजह अखी कलका सदका, तुम्हारा अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है। सुभान अल्लाह, किसी से जब मिले तो उसे मुस्कुरा कर मिले तो इसे सदके का सवाब मिलता है। मगर माय डियर सिस्टर्स, थोड़ा ध्यान रहे, ये भाई को देखकर आप लोग ना मुस्कुराने लगे, नहीं तो गजब हो जाएगा। आप बहनों को देखकर मुस्कुराएं, जब आप किसी बहन से मिले, अपने किसी मुस्लिम बहन से मिले, तो उसे मुस्कुरा कर मिले और ये इसमें आपको सदके का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि हम लोग की नोटिस में आता ही है ना बारहा कि अगर हम किसी के घर गए हैं और उसने मुस्कुरा कर वेलकम करने के बजाय थोड़ा सा तेवरी चढ़ा ली, माथे पे शिकन आ गई, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे ही दूसरे के लिए भी समझे कि अगर हम किसी से माथे पे शिकन लेके
मुलाकात करेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छी बात करने से भी सदक़े का सवाब मिलता है। सही बुखारी की हदीस है जिस नंबर 3, हदीस नंबर 961, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कलिमतु तय्यिबतु सदका, अच्छी गुफ्तगू भी सदका है। सुभान अल्लाह। तो किसी से अच्छी तरह से बात करना कि वो उसको अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो, इसमें भी सदके का सवाब मिलता है। देखिए, हमने कहा ना कि हमारे और आपके लिए हमारे नबी में नमूना मौजूद है। हाँ, तो हमें देखना चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, उनका गुफ्तगू का अंदाज क्या था। एक हदीस आपको बयान करेंगे, फिर क्यों किया है उसके बाद बताएंगे। हदीस है सही बुखारी की जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 581। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन जुर्रत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, या रसूलुल्लाह, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। फिर उन्होंने कहा, फिर उसके बाद किससे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा के वालिद से, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस डर से खामोश हो गया कहीं वो मुझको सबसे पीछे ना कर दें। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये हदीस हमने आपको क्यों बयान की। हाँ, यू नो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के साथ इस तरह से पेश आते थे गोया कि सबको लगता था कि मुझे को सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सवाल किया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो उसका क्या मतलब था? मतलब था उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आते थे, उनका सलूक इतना अच्छा था। जब हमें किसी से एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी नजर में मेरी पोजीशन अच्छी है, तभी तो हम ये सवाल, ये क्वेश्चन रेज करते हैं ना कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है। और जिससे हमें ये उम्मीद ना हो कि वो हमें टॉप पर या एक दो के बाद सही और ऊंची जगह पे अपने रखे होगा, तो हम उसे ये सवाल कभी नहीं करने वाले हैं। हाँ, तो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ये सवाल करके हमको और आपको ये बता दिया कि उनके नबी का अखलाक हर एक के साथ इतना अच्छा था कि हर एक को लगता था सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं, मुझे इतनी अटेंशन देते हैं और मुझे इतने प्यार से मिलते हैं। और जब उन्होंने अपना नाम कई लोगों के बाद भी नहीं सुना तो चुप हो गए कि मतलब जो उनका मकसद था जानने का, वो उससे तो और ज्यादा घबरा गए कि कहीं मुझे सबसे पीछे कर दिया तो और डिसहार्टेड हो जाएंगे ना। तो ये था हमारे प्यारे नबी का कंडक्ट, ये था आपका बिहेवियर कि हर कोई समझता था शायद मैं ही सबसे ज्यादा महबूब हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सुभान अल्लाह। देखिए, अच्छा अखलाक रखने के लिए एक बहुत बुनियादी चीज है और वो है दिल की सफाई। जब हम दिल को पाक नहीं रखते ना, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम अपने अखलाक को काबू में रख सकें। यानी बद अखलाकी होती ही इस वजह से है कि दिल मैले हो जाते हैं किसी किसी से, तो फिर उनके साथ हमें अपने मॉरल कंडक्ट में दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं बद अखलाकी हो जाती है। तो आज चूंकि थीम ये है कि हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक जन्नत का आसान रास्ता, तो हम आपको बहुत सारी खुशखबरियां सुनाएंगे कि कितनी आसानी से आप जन्नत में पहुंच सकती हैं। और अभी हम आपके सामने एक हदीस लेकर आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इतनी आसानी से आप जन्नत में अपनी जगह बना सकती हैं। हदीस है मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 3, सफर नंबर 166 और सुनन नसाई में हदीस नंबर 863। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, सब लोग सहाबा बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि अभी अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएंगे और वो अहले जन्नत में से हैं। तो फिर उनका बयान है कि एक अंसारी साहबी तशरीफ लाए
और उनकी दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा था और वो अपने बाएं हाथ में अपनी चप्पल उठाए हुए थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन फिर यही खबर दी कि अभी अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा, वो अहले जन्नत में से है। और एग्जैक्टली वही आदमी, वही शख्स, वही अंसारी शख्स फिर से तशरीफ लाए और उन्होंने उसी उसी मतलब नहीं उसी कंडीशन में थे, लाइक उनके दाढ़ी से पानी टपक रहा था वुजू का और उनके बाएं हाथ में चप्पल थी। तीसरा दिन फिर हुआ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि अभी तुम्हारे दरमियान एक आदमी आएगा और वो अहले जन्नत में से है। फिर वही शख्स आते हैं अंसारी साहबी और वैसे ही उसी हालत में आते हैं। अब साहबों में क्यूरियोसिटी हो गई, उसमें से अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने, सॉरी अब्दुल्ला इब्न अम्र रजी अल्लाह अन्हु ने उनको ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई। वो उनके पास गए और कहने लगे कि जनाब मेरा मेरे वाले से इख्तिलाफ हो गया है और जिसकी वजह से मैंने 3 दिन तक उनसे अलग रहने की कसम खा ली है, और मैं क्या आपके साथ रह सकता हूँ 3 दिन तक? तो बोले ठीक है चलिए। वो अंसारी साहब उनको अपने साथ ले गए और फिर अब्दुल्ला इब्न अम्र रजी अल्लाह अन्हु ने उनको डे नाइट नोटिस करना शुरू किया, और दिन में देखा, रात में देखा, रात में उनको देखते कि वो कहीं मसल्ले पे नहीं खड़े हैं, रातों में सोते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं और उसकी बड़ाई बयान करते हैं, फिर सो जाते हैं और फज्र में उठते हैं। ये 3 दिन 3 रात तक वो देखते रहे। फिर उनसे जब 3 दिन हो गया तो उनसे नाराज आ गया और कहने लगे कि देखिए मेरा मेरे वाले से कोई इख्तिलाफ नहीं था, असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक जन्नत की खबर 3-3 बार सुनाई है, तो मैंने चाहा कि आपको ऑब्जर्व करूं, तो मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं देखा कि जो जो मुझे पता लगे कि वो जन्नत में जाने जिसकी जिसकी वजह से आपको खुशखबरी दी गई आपके लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो कोई अमल नहीं है, मैं जो आपने देखा वही करता हूँ। फिर वो जब रुखसत होने लगे तो फिर वापस बुलाया और कहा हाँ बस इतना है कि मैं किसी मुसलमान के लिए दिल में धोखे का जज्बा नहीं रखता और ना ही अल्लाह ताला की दी हुई नियमत में किसी से हसद करता हूँ। यानी वो अपने दिल को पाक रखते थे। ये दिल की पाकी तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यही वो चीज है जिसकी सकत हम में नहीं। सुभानअल्लाह, सिर्फ दिल की पाकी जन्नत में ले जा सकती है। कितना टाइम लगता है दिल को पाक करने में? अरे घर की सफाई करने में लगता है ना 1-1.5 घंटा 2 घंटा, दिल को साफ करने में 1-2 घंटा नहीं लगता, और ना ही बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत नहीं लगती, बहुत ना टाइम लगता है ना मेहनत लगती है। बस दूसरों से हसद ना करें और दूसरों से नाराज ना रहें और कीना ना रखें और जो भी नाराजगी है गुजर करें, बस बहुत छोटा सा मिनटों का काम है, मिनटों से भी कम का, और उसका जो बदला है वो जन्नत है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 88-89 में, यौम अलायन मालूम वाला बनून, जिस दिन ना ही माल काम आएगा ना ही बेटे, इल्ला मन अतल्लाहा बिकल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आए। यानी रोजे आखिरत नजात उसको आसानी से मिल जाएगी जिसके पास कल्बे सलीम हो। ये कल्बे सलीम बेआयब दिल है क्या? ये वो ही दिल है जिसके अंदर शिर्क क्रियाकारी तकबर जैसी चीजें भी ना हो और साथ ही कोई हसद ना हो, नफरत ना हो, जलन ना हो, किसी से कपट और बुग्ज कीना ना हो। ऐसे पाक दिल को कुरान की इस्तेलाह में कल्बे सलीम कहते हैं, और जिसके पास कल्बे सलीम है ना वो बहुत आसानी से जन्नत में पहुंच सकता है और उसकी नजात हो सकती है। जो कल्बे सलीम लेके आएगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी और भी जगह सुनाई है, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133-134 में फरमाया, वसारिउ इला मग़फिरतिम मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्ध वस्तमावात वल अर्ध उद्दतिल मुत्तकीन,
और दौड़ो भागो लपको उस जन्नत की तरफ, अल्लाह की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसत आसमान और जमीन के बराबर है और जो तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा तकवा मुत्तकीन ये बहुत हेवी बातें हैं। अब आपको सिफत बताएं, वो सिफात वो एट्रीब्यूट्स जिसको अल्लाह ताला ने मुत्तकीन कहा है। तो आयत नंबर 134 सुनिए, अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सराई वद्दराई, जो लोग खर्च करते हैं तंगी में भी और खुशहाली में भी, टाइटनेस में भी और अबंडेंस में भी, वल काज़िमीनल ग़ैज़ और जो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं, वल आफ़ीना अनिन्नास और जो लोगों को माफ कर देने वाले हैं, अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन और अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो एट्रीब्यूट्स में पहला तो इन्फाक आया और दूसरा क्या आया, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, जो अपने गुस्से को निगल लेते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं। यू नो डियर सिस्टर्स, गुस्सा जो है खुशफलकी का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अखलाक के बुरा होने के सबूत होती हैं, और खुसूसन गुस्से के वक्त जुबान जब चलती है ना तो वो गलत ही बोलती है। तो जो लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, वो सिफात अल्लाह ताला ने किनकी बताई, जो जन्नत में जाएंगे, जो मुत्तकीन जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो जब हमें गुस्सा है ना तो क्या करना चाहिए, उसकी रहनुमाई भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है ना। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1356, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब किसी को गुस्सा आए तो खड़ा हो तो बैठ जाए, ऐसे गुस्सा जाता रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर लेट जाए। और वुजू भी कर सकते हैं गुस्से की हालत में, पानी से वुजू करने के बाद भी गुस्सा जाता रहता है। तो गुस्से को अपने कंट्रोल करना है तो ये सारी तरकीबें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, एंड इट्स रियली साइंटिफिक। यू नो अभी वक्त नहीं है कि हम आपको पूरी साइकोलॉजी और साइंस बताएं, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। जब इंसान बैठ जाता है और लेट जाता है तो गुस्सा किस तरह से उसका जाता रहता है। लेकिन आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि हमने कभी कभी ऐसे लोग भी एक्सपीरियंस किए हैं जो अपने गुस्से को बहुत बार कंट्रोल करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, अंदर अंदर कर लेते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई 10 बार उनको गुस्सा दिलाए तो 9 बार वो पी जाते हैं गुस्से को, और 10वीं बार कोई बार ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल फट पड़ते हैं, दे बर्स्ट ऑन पीपल, एक आउटबर्स्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ स्पिल आउट कर देते हैं जो बहुत दिन से वो सह रहे थे, लाइक जो बहुत दिन से सब्र था उनका, वो पूरा का पूरा स्पिल आउट हो जाता है और सारे डेट और टाइम के साथ वो बोल डालते हैं कि उस दिन तो आपने ये किया था और उस दिन वो किया था, पूरी जो इतने दिन का सब्र रहता है वो सब चुप गायब हो जाता है। ऐसे लोग एक्सपीरियंस किया है ना आपने, और ऐसे लोग भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी कि जो लोग आमतौर से जवाब नहीं देते लोगों को, हर वक्त नहीं उलझते किसी से, चुप रहते हैं, खामोश मिजाज होते हैं, लेकिन ये कभी बोलते हैं तो ऐसी जहरीली बोलते हैं, ऐसा जहर आलूद बात कह देते हैं कि इतने दिन की उनकी खामोश मिजाजी वो सब कुछ वाइप आउट हो जाती है और सामने वाले पे बहुत बुरा असर छोड़ती है कि इतना जहरीली बात बोल देते हैं। हम आपको क्यों बता रहे हैं सब, सोचने के लिए कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है कि आउटबर्स्ट हो जाता है, क्यों एक्सप्लोजन होता है, या क्यों इतनी जहर आलूद बात जुबान से निकलती है। यू नो ऐसा इसलिए होता है कि हम यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बताई उनमें से आधी बात को मानते हैं, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, और वो गुस्से को निगल जाते हैं, और आधी बात नहीं मानते, वल आफ़ीन अनिन्नास, और वो लोगों से दरगुजर करते हैं, माफ कर देते हैं। तो होता क्या है यू नो कि जब वो गुस्से को पी जाते हैं तो क्या होता है, वो अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, वो अंदर इकट्ठा होता चला जाता है और वो माफ नहीं करते। तो अंदर इकट्ठा होने से क्या होता है कि वो पूरा कभी
स्पिल आउट कर देते हैं, वो पूरी भड़ास अपनी किसी दिन निकाल लेते हैं. एंड यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन समवन कंट्रोल्स हिज एंगर एंड डज नॉट फॉरगिव पीपल, यू नो आई एम टेलिंग यू, एग्रेसिव एंगर टर्न्स इनटू पैसिव एंगर. जब कोई मतलब आधी बात मानता है, वल काजमीन अल गैज, गुस्से को पी गया और लाफी नानी नास, माफ नहीं किया, तो क्या होता है, ये एग्रेसिव एंगर जो है वो पैसिव एंगर में बदल जाता है और पैसिव एंगर यूजुअली फील नहीं होता है. और फिर क्या होता है कि वो अंदर भरते 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 कोई एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा स्पिल आउट होना एकदम तय था. तो इसलिए कह रहे आपसे पूरी बात माने कि वल्काजमीन अलगैज, गुस्से को पी जाना अच्छी बात है, लेकिन वलाफी नान नास, और वो लोगों से दरगुजर करते माफ कर देते हैं, वो भी करना चाहिए, माफ भी करना चाहिए. अगर आप माफ नहीं करें और गुस्से को सिर्फ पीते जाए अंदर इकट्ठा होता जाए, तो यही होना है फिर जो हमने आपको बताया. उसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिसाल से समझते हैं कि अगर आपके मोबाइल में ट्रैश बिन होता है ना, और आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन होता है ना, तो क्या होता है, आप अनवांटेड फाइल्स को वहां से मूव करते रहते हैं, यानी डिलीट करते रहते हैं, और वो ट्रैश बिन में इकट्ठा होती रहती है. हाँ, और अगर आप ट्रैश बिन में ऑटो डिलीट कमांड ना लगाएं तो क्या होगा, कोई फायदा होगा आपका, वो ट्रैश बिन में मूव होती जाएगी और मेमोरी की प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी आ जाएगी कि स्पेस इज रनिंग आउट, आपको मैसेज मिल जाएगा. हाँ, तो क्या करना चाहिए, वो ट्रैश बिन में ऑटो डिलीट कमांड लगाना चाहिए ना, ताकि वहां से भी मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाए ना, वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाए, तब मकसद हल होता है ना. इसी तरह गुस्से को पी जाना ही एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अंदर से माफ कर देना बहुत जरूरी है. हम आपको एक मिसाल देंगे कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने किस डिग्री में माफ किया. बहुत लंबी सी हदीस है जिसको हम बहुत मुख्तसर में बयान करेंगे. अगर आप लोगों को इल्म हो, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पे जो बोहतान लगाया गया था, वाकया इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, तो फिर क्या हुआ था, मतलब आप पर बोहतान लगाया गया और कई लोग ना रूमर्स को स्प्रेड करने में रोल प्ले कर रहे थे, और उनमें से एक थे मिस्ताह बिन असाफा भी, जो कि हजरत अबू बकर के रिश्तेदार थे, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मिस्ताह बिन असाफा की किफालत करते थे, और उन्होंने भी उनकी डॉटर आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में रूमर स्प्रेड किया और आगे फॉरवर्ड किया वो जो उनके ऊपर बोहतान. अब किसी औरत पे बोहतान लगना कितनी बड़ी बात होती है, ये एक औरत बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है कि उससे ज्यादा तकलीफ दे कोई बात ही नहीं हो सकती शायद ना. उसका हाथ काट दो, उसकी खून बहा दो, उसको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसके मतलब आबरू पे बोहतान लगा दो तो कितना मुश्किल बात है, राइट. तो हजरत अबू बकर जलावन को जब पता चला कि मिस्ताह भी ये रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कसम खा ली कि आप मिस्ताह की किफालत नहीं करेंगे, उनका जो खर्चा पानी देते थे वो बंद कर देंगे. तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये आयत नाजिल कर दी, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22, वलियफू वलियस्फहू, और उन्हें चाहिए कि माफ करें और दरगुजर करें. अल्लाह तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे. ये आयत का नाजिल होना था और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का फौरी जवाब था, बला वल्लाही इन्नी उहिब्बु अन यग़फिरल्लाहु ली, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे. और उन्होंने फौरन अपनी कसम तोड़ी, कसम का कफारा अदा किया और मिस्ताह बिन असाफा की फिर से किफालत शुरू कर दी. ये था सहाबा का अमल. कुरान की एक भी आयत नाजिल होती तो उनकी जिंदगी में किस तरह से प्रैक्टिस में शामिल हो जाती थी, ये हमारे और सहाबा के दरमियान यही फर्क है कि आज हम भी आपको ये आयत सुना रहे हैं, वलियफू वलियस्फहू अल्लाह तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे. हाँ, हम चाहते हैं ना हमारा अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, तो हम दूसरों के गुनाह माफ करें, उनकी खताओं से दरगुजर करें.
और इस बात से एग्जेम्प्टेड सिर्फ वो है मेरे ऑडियंस में. अभी कितने लोग मेरी बात आवाज को सुन रहे हैं, कुछ लोग जूम पर लाइव सुन रहे हैं और कुछ लोग यूट्यूब पर लाइव ना, उनमें से सिर्फ ये बात मेरी वो ना माने जिसकी खुद की कोई खता नहीं है, कोई गलती उसने जिंदगी में कभी भी नहीं की है और वो अल्लाह की मगफिरत और उसकी रहमत का मोहताज नहीं है. बस वो ना माने कि उसके कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह से उसे माफी नहीं चाहिए, तो फिर हम वो भी किसी के गुनाह माफ ना करें. तो किस तरह से माफी की अहमियत है उसको समझने की जरूरत है. यू नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एंटायर लाइफ किस तरह से इसका अमली नमूना पेश करती थी. हम यूजुअली समझते हैं कि माफ करेंगे तो हम नीचे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, इज्जत कम हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2588, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता और माफी और दरगुजर से कुछ नहीं बढ़ता मगर इज्जत. इज्जत और बढ़ जाती है माफ करने से, घटती नहीं है. अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन है, सादिकुल मस्दूक का कौल है ये, और इज्जत बढ़ जाएगी. अभी अभी आप जहां पर बैठकर भी मेरी आवाज सुन रही हो, अल्लाह वास्ते आपके जहन में जिन जो भी लोग आ रहे हैं जिनसे आप नाराज हो, उन्हें माफ कर दें, उन्हें माफ कर दें. अगर हम रोजाना गुस्से की हालत में माफ नहीं कर पाते तो रोजाना सोने से पहले तो कर ही सकते हैं ना, उन्हें माफ कर दें. फिर देखें आप दुनिया में देखेंगे अपनी इज्जत को किस तरह बढ़ रही है इंशाल्लाह. आखिरत में जो होगी वो तो देखेंगे, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला इज्जत बढ़ा देता है. हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुजर की एक ही मिसाल दें. नजद के हाकिम समामा बिन असाल, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानलेवा बिल्कुल दुश्मन थे और बहुत सारे सहाबा का कत्ल किया था उन्होंने, तो जब सावन उन्हें गिरफ्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और उन्होंने मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए कहा तुम जानते भी हो ये कौन है? ये समामा बिन असाल है, यानी नजद का रूलर है. हाँ, और फिर उनके उनके खाने पीने और दूध का सब इंतजाम किया और फिर उन्हीं से पूछा कि समामा क्या राय है. तो समामा बिन असाल ने, जो अभी बहुत बड़े दुश्मन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कितने सहाबा को कत्ल कर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है समामा ने, कि अगर आप माफ कर दें तो एक कद्रदान पर मेहरबानी करेंगे और अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं उस कातिल को कत्ल करेंगे जिसने आपके सहाबा का, आपके साथियों का खून बहाया है, और अगर आपको माल चाहिए तो आपकी मंशा के मुताबिक आपको माल दिया जाएगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और छोड़ के चले गए. अगले दिन आए, फिर पूछा समामा क्या राय है, समामा ने एग्जैक्टली वही जवाब फिर दिया, फिर आप छोड़ के चले गए. तीसरे दिन फिर आए, समामा क्या राय है, तो समामा बिन असाल फिर वही बोलते हैं जो वो तीनों बात. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इनको आजाद कर दो. समामा आजाद होने के बाद मस्जिद नबवी से निकलते हैं और मदीना से निकल के सीधा जाते हैं, गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके वापस आते हैं मस्जिद नबवी में और क्या कहते हैं पता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. कलमाए शहादत के साथ हल्का बेगोश इस्लाम हो जाते हैं. ये असर पड़ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगुजर करने का समामा बिन असाल रदियल्लाहु अन्हु पर, और फिर वो बहुत इस्लाम से मोहब्बत करने लगते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और मदीना शहर के मुतालिक बहुत प्यारी बातें करते हैं, जो वक्त की कमी की वजह से हम स्किप कर रहे हैं. और हमारे नबी की सीरत बिल्कुल भरी पड़ी है ताइफ में, फतह मक्का में, कैसे आपने माफी और दरगुजर को अपनाया और किस तरह से उससे लोगों में फायदा हुआ. तो हमें गौर करने की चीज ये है कि हम माफ लोगों को क्यों नहीं कर पाते हैं और क्यों इतना गुस्से में पूरे टाइम रहते हैं. जो चीज आपके गुस्से को ट्रिगर करे उसको आइडेंटिफाई करें और उस इरिटेशन को आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव करने की कोशिश करें, और बड़े फख्र के साथ ये ना कहें कि हम तो टिट फॉर टैट करते हैं, मेरे साथ जो जैसा करता है हम वैसे करते हैं, अच्छे ने मुझे अच्छा पाया, बुरे ने बुरा पाया. ओह, दिस इज नॉट द टीचिंग ऑफ इस्लाम. हाँ, इस्लाम क्या ये भी नहीं कहता कि ईंट का जवाब पत्थर से हम देते हैं, ये भी जुल्म है. ठीक,
अल्लाह ताला क्या रास्ता दिखाता है वो सुनिए। सूरह फुसिला सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, वला तस्तविल हसनतु वल सय्यिअ, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, इदफा बिल्लती हिय अहसन, बुराई को भलाई से दिफा करो, फैदल्लजी बैनका वबैनहु अदावतुन कअन्नहु वलीउन हमीम, कि उसमें और तुम में, जिसमें और तुम में अदावत थी, दुश्मनी थी, वो तुम्हारा दिली दोस्त बन जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का वादा है, पहले आप अपना जो करने के लिए बोला जा रहा है वो करिए, फिर अल्लाह के वादे को पूरा होते हुए देखेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है बुराई को भलाई से दिफा करो, कोई तुम्हें गालियां दे तुम उसके लिए दुआएं करो, कोई तुम्हें हक से महरूम करे उसका हक उसके घर जाके पहुंचाओ, हाँ कोई तुम्हारी गीबत करे तुम उसका जिक्र हुस्न के साथ करो दूसरों के सामने, जो भी तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ अच्छाई करो, तो फिर अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कि जो दुश्मन है ना तुम्हारा वो दिली दोस्त बन जाएगा, बिल्कुल जिगरी दोस्त दीवाना हो जाएगा तुम्हारा, अल्लाह के वादे को पूरा होते हुए पाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट यू नो कि हाउ टू डील विद पीपल इविल पीपल विद गुड, ना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, ये बहुत मुश्किल है कि जो हमारे साथ बुराई करे उसके साथ अच्छाई से सुलूक करना, इट्स नॉट सो इजी। अगर आपको लग रहा है इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, देन आई वुड लाइक टू से इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, जस्ट डू वन थिंग, एक चीज करने का प्रॉमिस आप हमसे करिए, हम आपको बता दें ये काम आसान कैसे हो जाएगा, बुरे को अच्छे में जवाब देना, बस एक चीज करना है बहुत छोटी सी, और वो क्या है, जल्दी से नियत करिए कि आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत आसान हो जाएगा। हर काम अल्लाह की रजा के लिए करें, लोगों के साथ जब भी कोई भलाई करें तो अल्लाह की रजा के लिए करें, उनकी प्रेजेस पाने के लिए, उनका एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए कि वो मतलब आपकी की गई भलाई को एक्नॉलेज करें या शुक्रिया अदा करें, या आप एक्सपेक्ट करें आपके साथ भी ऐसी भलाई करें, कुछ भी मत रखिए, लोगों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखिए और अल्लाह ताला से भरपूर भर भर के एक्सपेक्टेशन रखिए। बस जैसे ही आप ये कर लें कि हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना है, तो क्या होगा कि आप पाएंगे कि आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट काम जो आपको लग रहा था वो बहुत आसान हो गया है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपने किसी ससुराली रिश्तेदार को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, तो ससुराली रिश्तेदार इसलिए कह रहे हैं कि यूजुअली उनके साथ दिल नहीं मिलते, जबकि वो भी मतलब रिश्तेदार ही होते हैं, तो उनको गिफ्ट दिया, बड़े शौक से दिया था, लेकिन लेकिन आपको कहीं से सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि मतलब इतना थका से दिया है, मेरे तो इस्तेमाल के लायक नहीं है, कोई मतलब मेरे किसी काम का नहीं है, पड़ा रहेगा, इस तरह की बात आपको सुनने में आई, तो पहले तो आपने शौक से दिया था, बाद में आपको मतलब एंगर ट्रिगर हो गया, आपको गुस्से में आ गए कि हमने तो इतने प्यार से दिया था और उन्होंने ऐसा और वैसा बोला, अब नहीं दूंगी। ये क्या है, चेक करिए अपने आप को, क्या आपने उनका उनके शुक्रिया के लिए दिया था कि रजाई लाई के लिए दिया था। अल्लाह ताला का हुक्म था कि वात दल कुर्बा का रिश्तेदारों को उनका हक दो, रजाए इलाही के लिए दिया था, तो हम क्यों चाह रहे हैं सामने वाला एक्नॉलेज करे, इतराफ करे कि हाँ हमने उसके साथ उसने सुलूक किया, हम क्यों चाहते हैं, बल्कि तो फिक्र वाली बात है। बस इखलास अपने अंदर पैदा कर लें, जो भी कुछ करें अल्लाह की रजा के लिए, देन इट विल बिकम सो एंड सो इजी। और आपको पता है कि हम हमेशा ये चाहते हैं ना कि हमारे साथ मतलब बहुत हुस्न के साथ पेश आया जाए, तो हम दूसरों के साथ भी करें तो जन्नत का रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। फिर एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं आपको, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही मुस्लिम में, हदीस नंबर 4776, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई चाहता है कि जहन्नम से बचे और जन्नत में जाए, उसको चाहिए कि मरे इस हाल में कि अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन हो
और लोगों से वो सुलूक करे जैसा कि वो चाहता हो कि लोग उसके साथ करें. क्या? He should treat the people as he wishes to be treated by them. Is it clear? हाँ, अगर हम चाहते हैं उनसे कोई गलती हो गई है तो कोई तो वो हमें सामने वाला कैसे ट्रीट करे. हम चाहते हैं वो हमारी इंसल्ट करे, वो हमें मॉक करे, वो हमें ट्रोल करे, वो हमें प्रोसिक्यूट करे, वो हमें पीटे. चाहते हैं क्या? नहीं. क्या चाहते हैं? गलती हो गई लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें किनारे ले जाए, अकेले में कहे कि बहन आपसे ये गलती हो गई, अंडा ध्यान रखिएगा. ये चाहते हैं ना? हाँ, तो हम दूसरों को भी ऐसे ही ट्रीट करें ना, ऐसे ही करें दूसरों के साथ भी कि उनको किनारे ले जाके उनकी गलतियां बताएं और बहुत प्यार से बताएं. हाँ, हम चाहते हैं कि हमसे झूठ ना बोला जाए ना, तो हम भी लोगों से झूठ ना बोले, हम भी लोगों से झूठ ना बोले. हम चाहते हैं हमसे वादा खिलाफी ना हो, ना की जाए, तो हम भी लोगों से वादा खिलाफी ना करें. हाँ, ये बस ये करेंगे ना. अब चाहते हैं जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना, तो बस ये करना होगा, अपने अपने सामने वाले को वैसा ट्रीट करें जैसा हम चाहते हैं वो हमें ट्रीट करें. बस इट्स सो इजी एंड सिंपल. हाँ, ऐसा ही. और यू नो, रोजे आखिरत जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो नेकी होगी, और नेकी आपको बहुत सारे अमल से मिलेगी, लेकिन उसका वजन अल्लाह ही जाने कितना भारी होगा. हमारी नमाजों में कितना खुशू है हम जानते हैं खूब अच्छी तरह से. हाँ, और हमारे हाथ झूम रहे और में कितनी रियाकारी है हम जानते हैं अच्छी तरह से. तो ऐसी नेकी पर बहुत फोकस करें जो सबसे ज्यादा वजनी है. और सबसे ज्यादा वजनी नेकी क्या है पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1372. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शाइन अस्कलु फिल मीजान मिन हुस्निल खुल्क. रोजे आखिरत मीजान में हुस्न खुल्क से ज्यादा वजनी कोई भी चीज नहीं होगी. सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा वेटेड जो नेकी है वो है हुस्न खुल्क. तो उसको अपना टारगेट बना लें. और टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है, हम बहुत मुख्तसर में कहना चाहेंगे कि बाज लोग बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन घर में वैसे नहीं होते, घर वाले उनके उनके उनसे खुश नहीं रहते. बाहर बड़े नेक हैं और बहुत बड़े वाइज हैं और बहुत बड़े मुकर्रर हैं और दीन की खिदमत करते हैं होंगे, बाहर बहुत ज्यादा नाम रहता है उनका कि बहुत नेक शरीफ मुत्तकी इंसान है, लेकिन उनकी बीवी बच्चे उनसे डरते हैं. हाँ, उनकी बीवी बच्चों की हालत खराब रहती है जब वो गुस्से में आ जाते हैं. तो उनको उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करना चाह रहे हैं. तिर्मिजी हदीस नंबर 3895 में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम ली अहली, तुम में से बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है. वान खैरुकुम ली अहली, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूँ. तो अच्छा बनना है तो घर में देखें, क्योंकि हकीकत घर में खुल के आती है. बाहर तो थोड़ा एक्टिंग भी हो सकती है. हाँ, मास्क लगा के भी बाहर निकल सकते हैं, और ये मास्क कोरोना वाले मास्क की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ, तो बाहर से जब अंदर आता है इंसान तो मास्क तो उतारता ही उतारता है ना. हकीकत तो घर में खुलती है. तो अगर शौहर कह रहा है मेरी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बीवी बहुत नेक सालिहा है, तो वो सच्ची बात है. अगर बीवी कह रही है मेरा शौहर मतलब कितना नेक और शरीफ है, तो वो सच्ची बात है, क्योंकि हकीकत घर ही में खुलकर सामने आती है. और जो सिस्टर्स अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करती हैं, वैसे तो पूरी मिल्लत को करना चाहिए, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए बस बहुत ब्रीफ में ये कहना चाह रहे हैं, अल्लाह वास्ते किसी की इंसल्ट करके ना करें. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को पब्लिकली टोक देते हैं जिससे वो इंसल्टिंग फील करता है, और हम भलाई की तरफ बुला रहे होते हैं, बुराई से रोक रहे होते हैं, और अनवांटेडली वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट पड़ता है और इंसान जिद में आकर और वो चीजें करता है, गलत चीजें. हाँ, तो ये भी बहुत हिकमत से करना चाहिए. अल्लाह ताला ने सूरह नहल के आयत नंबर 125 में बताया, उद्दू इला सबीले रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन. बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ, बहुत नर्म नसीहत के साथ और ब्यूटीफुल प्रीचिंग के साथ,
और उनके साथ अगर बहस करने की जरूरत पड़ जाए तो बहस करो, लेकिन वो भी ब्यूटीफुल वे में, डिबेट भी ब्यूटीफुली होना चाहिए। तो बहुत हिकमत और बहुत मोहब्बत से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम भी होना चाहिए। माय बिलवड सिस्टर्स, ऐसी गलती आप कभी ना करें कि सब सबके सामने किसी को टोक के शर्मिंदा करें और वो आप बुराई से रुकने के बजाय, आपका इंटेंशन है ठीक है फाइन कि अल्लाह ताला आपको अजर देगा इंटेंशन पे, लेकिन अगर सामने वाले को इंसल्टिंग फील हो गया तो वो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे और आप फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। और आप कहेंगे हमने तो अच्छा ही चाहा था और ये क्या नतीजा बरामद हुआ है, तो इस इन चीजों का ख्याल रखें। बस आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, उनके नमूने पर फिर से आते हैं कि हमारे नबी ने जिस तरह से काम किया वैसे ही हमको भी करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको भेजा रहमत बनाकर तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए। तो इंतहाई रहमत, शफकत और मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाह का काम किया है, उसी तरह हमको भी करना चाहिए। बस अल्ताफ हुसैन हाली की एक नात के साथ हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर तमाम करेंगे। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का जेरो जबर करने वाला, कबाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर हो जाएं और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। आमीन वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड सिस्टर अस्मा, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आई होप सब लिसनर्स के लिए भी बहुत यूजफुल रहा होगा आपका डिटॉक और सभी ने कुछ न कुछ जरूर इससे सीखा होगा इंशाल्लाह। सो मूविंग ऑन, अब हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपने इससे क्या सीखा, कोई थॉट जो आप शेयर करना चाहे या कोई सवाल जो आपने हमारे गेस्ट से पूछना है, सो यू कैन आस्क, रेज योर हैंड, इंशाल्लाह आपको अनम्यूट किया जाएगा। ओके सिस्टर जी, सिस्टर शाहिना शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी सिस्टर, माशाल्लाह से आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, और क्योंकि ये सबसे मेन था हमारे लिए, क्योंकि एक इंसान नमाज तो पढ़ सकता है, कुरान शरीफ तो पढ़ सकता है, एक अल्लाह की इबादत भी कर लेता है, लेकिन ऐसे अखलाक का जो पॉइंट आता है ना, वहाँ पर बहुत से जो आलिम से आलिम रहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दीन होता है ना, वो भी डगमगा जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसे अखलाक उनके भी इतने अच्छे नहीं रह पाते हैं कभी कभी। तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टॉपिक था, और जैसे एक डाउट था रहता था कि जब कभी ऐसा होता है हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा गुस्से को बार बार करते रहते हैं, अपने अंदर समाते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है कभी कि हम क्वेश्चन, सॉरी सिस्टर, आप जल्दी से अपना सवाल करें, वक्त महदूद है ना, अपने सवाल पर आ जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन। नहीं सिस्टर, जब सवाल नहीं कर रही थी, मतलब मैं अच्छा अपने शेयर कर रही थी। नहीं, वो आपने बताया था ना जी कि मतलब जैसे
ज्यादातर लोगों के माइंड में ये बात रहती है कि हमने बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया, अब हम क्या करते, जब हमारा सब्र तो टूटना ही था, जब हमने इतना ज्यादा सब मतलब सब्र किया था, लेकिन हम क्या करते, अभी हमारी कोई गलती नहीं है। तो उसमें भी आपने इतने बेहतरीन तरीके से बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें दरगुजर करना होगा, हमें माफ, हमें अपने गुस्से को, अगर हम अल्लाह ताला के लिए अपने गुस्से को रोक रहे हैं कि अल्लाह हम अपने अच्छे अखलाक होंगे इससे, तो हमें दूसरी वे में हमें माफ भी करना पड़ेगा, तो ही हमारा वो जैसे रहता है, अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हमारे दिल में कभी ना कभी रहेगा वो, तो हम वो ऐसे सोच के बैठे रहेंगे कि कभी ऐसा तो होगा, कभी तो हम बोलेंगे, क्योंकि हमने उसे माफ नहीं किया तो वो कोई वो चीज हमें फायदा पहुंचाएगी भी नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं गुस्से को पिया पर, लेकिन कोई इतना हमें फायदा भी नहीं पहुंचेगा। तो बहुत बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और अल्लाह का शुक्र है जो हम इस सेशन में आए, बहुत कुछ सीखने को भी मिला जी। वैसे क्वेश्चन तो कोई नहीं, आप समझाया अच्छे से, समझ आ गया कि कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन तो कोई नहीं है, पर लेकिन हाँ आपने बता दिया, मेरा यही क्वेश्चन था एक, कैसे रहता है ना हमें, जैसे कभी कभी हमें बहुत ज्यादा हो जाता है गुस्से का, हम रह भी पाते हैं अच्छे अखलाक थोड़ी सी देर रहते हैं, फिर जैसे बहुत ज्यादा हमें कोई परेशान करे जा रहा है बार बार, हम अपने गुस्से को लेकिन वैसे करे जा रहा है, परेशान करे जा रहा है, तो उसका आपने जवाब तो दे ही दिया है, अल्लाह का शुक्र है। जी अस्मा बाजी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सिस्टर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मेरा एक सवाल था, ये सवाल मतलब ये दिल में कभी कभी आ जाता है, मेरे दिमाग में भी आ जाता है कभी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको पास में किसी इंसान से मतलब बहुत तकलीफ हुई हो, मतलब या कोई इंसान आपको बार बार तकलीफ दे रहा है या किसी से हुई हो, तो बट इंसान कभी उसे बदला नहीं ले लेता है और अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहता है कि अल्लाह ताला भी माफ करे, हमें भी माफ करे, मगर कहीं ना कहीं दिल में वो मतलब जब वो तकलीफ याद आती है तो उनके लिए वो दिल में नफरत सी पैदा हो जाती है, मगर मतलब उसके बारे में आप फरमाए, मतलब वो इंसान कैसे रोक ले उस नफरत को, या इंसान अपने दिल को मतलब कैसे कंट्रोल करे उन चीजों से। जी सिस्टर ने बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल किया है। सिस्टर का कहना है कि कभी कभी कोई इंसान कुछ ऐसा हमारे साथ कर गुजरता है या कंटिन्यूअसली करता ही रहता है जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ पहुंचती है और हम उसे बदला नहीं ले रहे होते हैं, उसके बावजूद भी एक कसक तो दिल में रहती है और एक नफरत सी पैदा होती है, तो इस नफरत से अपने को कैसे बचाएं और क्या मतलब वे आउट है इसका। देखिए सिस्टर, एक बात, एक उसूली बात हमेशा याद रखिए तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा। उसूली बात यह है कि हमको नफरत गुनाहों से होनी चाहिए, गलतियों से होनी चाहिए, इंसान से नहीं, ठीक है, करने वाले से नहीं, डूअर से नहीं, जो जो गलत फेल है उससे नफरत होनी चाहिए और जो जिसने गलत किया है उससे नफरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर सचमुच में आपके साथ गलत हुआ है और सभी के साथ होता है तो पहली बात तो ये सोचे कि हम जन्नत में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, ये जन्नत में होगा कि कोई भी ऐसी जो बात प्लेजेंट ना हो वो ना हो, वो सिर्फ जन्नत में होगा। दुनिया में चाहे वो बादशाह क्यों ना हो उसके साथ तकलीफदेह चीजें होती रहेंगी, ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि अगर आप ये सोचे कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, हम ये बहुत ज्यादा शौक से चाहते हैं और मेरे बहुत सारे गुनाह हैं तो मैं उसको माफ कर दूं, तो क्या पता अल्लाह ताला मेरे बहुत बड़े बड़े गुनाह माफ कर दे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस डिग्री का गुनाह, जिस डिग्री की तकलीफ दूसरे ने दी है और उसको माफ किया गया है, उतना हेवी अपना भी गुनाह अल्लाह ताला माफ करेगा। हाँ, जो अभी सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22 की रोशनी में हमने आपको बताया कि वलियस्तहु अल्लाह तुहिब्बुना यग़फिर अल्लाह लकुम अल्लाहु गफूर रहीम। तो अगर बहुत ज्यादा तकलीफ दी है तो भी हमने माफ किया ना, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा
कि अल्लाह ताला भी उतना ही वेटेड गुनाह माफ कर देगा, मतलब बहुत बड़ा से गुनाह भी हो गया होगा हमसे तो माफ करेगा। तो ये दूसरी बात ध्यान में रखें कि हम भी गुनाहगार हैं और हम उसको माफ कर देंगे तो हमारा अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर देगा। और फिर कोशिश करें कि मतलब जो जिसने गलती किया है उससे नफरत नहीं करें, गलत काम से हमेशा नफरत करें। तो ये थोड़ा ह्यूमैनिटी लेवल पर सोचेंगे तो आसान होगा। रही बात ये कि अगर कोई तकलीफ ऐसी है जिसके जिससे दिल जो है अफेक्टेड है, यानी दिल में एक खरोच आ गई है, एक तकलीफ है, लेकिन अगर हमारे बिहेवियर में, हमारे अखलाक में जब हम उससे मिले उसका सामना करें तो हम उसकी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन दिल में तकलीफ है, तो वो तकलीफ रहना आपके काबू से कभी कभी बाहर हो जाएगा, तो उसको उसके लिए आपकी गिरफ्त नहीं होगी। आपने इन रिटर्न उसके साथ उतना ही बुरा या उससे कम बुरा या मतलब बद अखलाकी की, तो मतलब तब आप से कुछ गलती हो रही है। लेकिन अगर खाली दिल में एक तकलीफ सी महसूस करते हैं और किसी से एक एक, एक वो महसूस करते हैं कि हम इससे मतलब हमारा दिल नहीं मिल सकता, लेकिन आपकी जुबान, आपका एक्सप्रेशन और आपके एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, इन सभी में कोई फर्क नहीं आता, तो आप मुतमइन रहें आपसे कोई गलती इंशाल्लाह नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें जहन में रखें और दिल ठंडा रहेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है जवाब। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको भी। और कोई सिस्टर है जिसका कोई सवाल हो या कोई थॉट शेयर करना चाहे आप? ओके बारकल्लाहु फीकुम डियर सिस्टर्स, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा डियर बिलव्ड सिस्टर्स फॉर जॉइनिंग अस, वी आर वेरी ग्लैड। अल्लाह सुबहाना ताला इसी तरह हम सबको अपने इस दीन से जोड़े रखे और आपका आना सुनना सिखाना कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ वी आर वेरी थैंकफुल टू सिस्टर अस्मा शम्स, जो आप हमारे बुलाने पर, इशार करने पर आए, अपना प्रीशियस टाइम निकाला और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए इस अहम मौजू पर और हमें इतना इंस्पायर किया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आल्सो अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ब्रदर शोएब खान, इतनी ब्यूटीफुल तिलावा आपने की, जज़ाकल्लाहु खैरन। आइए दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। يا اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں با ادب اور با اخلاق بنا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں اور ہماری نسلوں میں حسن اخلاق پیدا کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھتا ہے تو اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك۔ جزاك الله خيرا كثيرا۔
इंशाअल्लाह खैरन कथीरा डियर सिस्टर्स, हम भी आप सबके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमको मौका दिया कि हम अपनी थॉट्स को सामने रख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कथीरा स्पेशली टू सिस्टर तस्कीन और जनरली आप सभी को जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कथीरा व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। व इय्याकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंशाल्लाह आज का ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था गेस्ट स्पीकर का, अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो हम फिर आगे इसको शुरू करेंगे, लेकिन हमारा सीरा ऑफ सहाबियत एंड सहाबा अभी रनिंग में है तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप पर लिंक शेयर सॉरी चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दी जाएगी। Should I leave the meeting? Yes, you can. Okay, exactly.